इग्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। दुनिया में अमर होने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा कीजिए। ज्ञान को साझा करना ही दुनिया में अमरता प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आज की तारीख 6 अक्टूबर 2022। आज का वार गुरुवार। आज अश्वनी माह का 26वां दिवस है। अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9:40 सुबह तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 6:16 सुबह। सूर्यास्त का समय 6:01 शाम को रहेगा। आज चंद्रोदय का समय है 4:09 शाम को। चंद्रास्त का समय 3:23 अगले दिन सुबह तक होने वाला है। आज चंद्रमा मकर राशि में 8:28 सुबह तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाएंगे। आज की सूर्य राशि है कन्या। आज का सूर्य नक्षत्र हस्त नक्षत्र। आज चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में 7:42 शाम तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आज का पहला कर्ण वृष्टि 9:40 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण भव 8:32 शाम तक रहने वाला है। इसके बाद बालव कर्ण प्रारंभ होगा। वृष्टि कर्ण यह एक प्रकार का सबसे अधिक अशुभ फल प्रदान करने वाला समय है। कोई भी नया काम इस कर्ण में ना करें। कुछ धार्मिक कार्यों में भी इस समय को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। भव कर्ण एक प्रकार का सामान्य फल प्रदान करने वाला चर समय है और बालव भी सामान्य फल प्रदान करने वाला चर समय माना गया है। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 6 तारीख को पापांकुशा एकादशी और पद्मनाभ द्वादशी होगी। 7 तारीख को प्रदोष व्रत। 9 तारीख को अश्वनी माह की पूर्णिमा, अन्वाधान, कोजागर पूजा और शरद पूर्णिमा होगी। आज का योग शूल 2:21 अगले दिन सुबह तक रहेगा। इसके बाद गंड योग प्रारंभ होगा। दिशा शूल की बात करें तो आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा न करें। यदि आवश्यक हो यात्रा करना तब जीरा और दही खा करके प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा करने से दिशा शूल का प्रभाव कुछ कम हो सकता है और हो सकता है कि यात्रा भी सुखद और मंगलमय हो। आइए जानते हैं शूल योग के बारे में। शूल एक प्रकार का अस्त्र है और इसके चुभने से बहुत भारी पीड़ा होती है, जैसे कि नुकीला कांटा चुभ जाए। इस योग में किए गए कार्य से हर जगह दुख ही दुख मिलते हैं। वैसे तो इस योग में कोई काम कभी पूरा होता ही नहीं, परंतु यदि अनेक कष्ट सहने के बाद पूरा हो भी जाए तो भी शूल की तरह से हृदय में एक चुभन सी पैदा करता रहता है। अतः इस योग में कोई भी नया काम शुरू ना करें, अन्यथा आपको जिंदगी भर पछताने पड़ा रह सकता है। यदि आप शूल योग में पैदा हुए हैं तो आप भरोसेमंद और भाग्यशाली हैं। आपका झुकाव समाज सेवा की ओर है और आप आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। आप भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा भी रखते हैं। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:45 सुबह से 12:32 दोपहर तक रहेगा। आज विजय मुहूर्त का समय 2:06 दोपहर से 2:53 दोपहर तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:38 सुबह से 5:27 सुबह तक। आज का अशुभ समय, आज का राहुकाल 1:37 दोपहर से 3:05 दोपहर तक रहेगा। आज यमगण काल का समय 6:16 सुबह से 7:44 सुबह तक रहने वाला है। राहु काल और यमगण काल दोनों ही समय के अंतर्गत कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, ना ही कोई मांगलिक कार्य
इस समय में शुरू करें। आज के कुछ अन्य शुभ योगों में से अमृत कालम योग का समय रहेगा 9:58 सुबह से 11:28 सुबह तक। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। आज शुभ समय है 6:16 सुबह से 7:44 तक। चर समय 10:41 सुबह से 12:10 दोपहर तक रहेगा। लाभ समय 12:10 दोपहर से 1:37 तक रहने वाला है। अमृत समय 1:37 दोपहर से 3:05 तक रहेगा। शुभ समय 4:34 शाम से 6:01 शाम तक रहेगा। आज रात्रि के चौघड़िए में अमृत समय 6:01 शाम से 7:33 शाम तक रहेगा। चर समय अर्थात सामान्य समय 7:33 शाम से 9:07 तक रहेगा। लाभ समय 12:09 मध्य रात्रि से 1:41 तक रहने वाला है। शुभ समय 3:13 अगले दिन सुबह से 4:45 तक रहेगा। और अमृत समय 4:45 अगले दिन सुबह से 6:17 अगले दिन सुबह तक होगा। ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।